हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली बहुत ही टेस्टी सब्जी लहसुनी भिंडी। ये बहुत जल्दी बनती है, बहुत टेस्टी है, साथ में आप इसको स्टोर करके वन वीक तक रख भी सकते हो। तो इसके लिए मैंने लिया लहसुन और भिंडी। लहसुनी भिंडी है इसलिए लहसुन थोड़ा ज़्यादा लिया है। नमक 3 स्पून, फली दाना 1 स्पून, धनिया पाउडर, मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, खोबरा किस 1 स्पून है, जीरा 1 स्पून है, हल्दी है और आमचूर पाउडर 1/2 स्पून है। उसके बाद तेल तलने के लिए इस भिंडी को मैंने दोनों साइड से भिंडी के कॉर्नर्स को काट लिया है और इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। आप चाहो तो थोड़ा मोटा भी कर सकते हो या लंबे लंबे स्ट्रिप्स भी कर सकते हो। अभी मैंने भिंडी को काट लिया और लहसुन को दरदरा कूट लिया है। मैंने एक लोहे की कढ़ाई रख के उसमें तेल तलने के लिए डाल दिया है। डाल के अब मैं इसमें भिंडी डाल के इसको फ्राई करूँगी। डालते समय तेल गर्म था, फिर मैंने मीडियम फ्लेम करके मैंने इसको लगातार चलाते हुए फ्राई किया है। ये भिंडी की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है, साथ में बहुत जल्दी भी बनती है। ये बच्चों के टिफ़िन, लंच बॉक्स या हम लोग कहीं जर्नी में जा रहे हैं जैसे ज़्यादा दिन के लिए, उसमें भी आप बना सकते हो, क्योंकि ये 1 वीक तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। अभी भिंडी फ्राई हो गया, मैंने निकाल लिया। अब मैं मूंगफली को फ्राई कर रही हूँ। मूंगफली को आप चाहो तो भून के कूट कर भी डाल सकते हो, बट फ्राई करके डालने से लुक वाइज ये बहुत अच्छा दिखता है। कूट के डालो या फ्राई करके डालो, टेस्ट सेम रहेगा। अब मैंने फली को निकाल लिया है। निकाल के अब मैं इसमें डाली हूँ 1 स्पून ऑयल। मैंने दूसरी कढ़ाई रखी, आप चाहो तो सेम कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने इसमें डाला है जीरा, फिर उसके बाद मैंने डाला है दरदरा कूटा लहसुन। लहसुन डाल के मैं इसको अच्छे से भूनूंगी ताकि लहसुन अच्छे से भून जाए और उसमें से कच्चा जो स्मेल है लहसुन का वो निकल जाए। अब लहसुन ऑलमोस्ट भून गया है, इसमें मैं डालूंगी भिंडी, भिंडी और मूँगफली जिसको हमने फ्राई करके रख दिया था। डाल के अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी बाकी के मसाले। सबसे पहले मैंने डाला 1 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून आमचूर पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी, 1/2 स्पून मिर्ची, 1/2 स्पून नमक। आमचूर पाउडर अगर ज़्यादा डालोगे तो खट्टा हो जाएगा। मिर्च और नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये सब्जी सूखा रोटी, पराठे, नान, इनफैक्ट एज अ साइड डिश आप दाल चावल के साथ भी इसे सर्व करोगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। अभी मैंने सूखा नारियल डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लिया। बस हमारी लहसुनी भिंडी बनके रेडी है। यहाँ पे मैंने 1/2 स्पून आमचूर डाला, उसकी जगह आप चाट मसाला भी डाल सकते हो। बस लहसुनी भिंडी बनके रेडी है। आप भी ये टेस्टी लहसुनी भिंडी बनाइए और बताइए। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।